नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। अपने कार्यकाल के चौथे बजट में वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। इसमें IIT बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को देश के मुख्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस के अंतर्गत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र चलाएंगे। पूरी दुनिया में जारी कोरोना महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा से एक बात स्पष्ट है कि सरकार अपने नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजग है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए गुणवत्ता, मानकीकृत और मुफ्त 24/7 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा ये प्रोग्राम देश के मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में एक बड़े अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार के बजट में 129 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी में एक बाल चिकित्सा और कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि 2022-23 के लिए स्वास्थ्य बजट में 86,606 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश किए जाने के बाद मेदांता अस्पताल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र बहुत कम है। So, in a way, if you look at the budget, there is very little mention of healthcare in the budget. It occupies very little attention. So that two, three things that help us, which is like a sort of a non-direct, is one is the fact that the skilling initiative has been intensified, which is good, because we need a lot of skilled manpower to assist with the healthcare delivery system. The second thing is that there is a national health registry, which also provides like a full platform for everybody to be able to be in networking, to also know what the state of our infrastructure is, what is the ability to deliver healthcare and all that. It will help a long way. But beyond that, none of the other issues was addressed in this budget right now. The basic thing being that if you divide it up, there are 3-4 things that need to be actually moved forward. So the finance minister did mention that we have a robust system now because we survived the pandemic and it's become strong and all that. It is true, but the basic thing is it does not mean that it is robust or is it future ready. We have to be very well prepared for these kind of events happening again and again. I mean, that's the nature of the environment today. डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय अस्पतालों की जरूरत है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देते हुए वित्त पोषण की जरूरत है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने, नई तकनीकों को बढ़ाने के साथ ही शोध भी करना है, ताकि हम खुद पर ज्यादा निर्भर हो सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।